हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के पास भी जियो का सिम है और 5G हैंडसेट है, फिर भी 5G नहीं पकड़ रहा है, बार बार 4G पर शिफ्ट हो जा रहा है? तो यार आप लोग टेंशन नहीं लो, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आपको करना क्या है, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास जियो का सिम है और आपका मोबाइल फ़ोन 5G सपोर्ट करता है, तो सबसे पहले आपको माई जियो ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पर जा करके, और फिर उसमें मोबाइल नंबर डाल करके OTP वगैरह डाल करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद माई जियो ऐप को ओपन कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखो आपका मोबाइल नंबर प्रीपेड करके लिखा होगा, यहाँ पर एरो का साइन होगा, इसे ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर 5G अनलिमिटेड करके इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर 5G ट्रायल अनलिमिटेड, तो आपको चेक यूजेज कर लेना है। चेक यूजेज करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो जियो का सिम है वो 5G के लिए एलिजिबल है या नहीं। और हाँ, इसके बाद आपको प्लान भी चेक कर लेना है। व्यू प्लान में जा करके आपको देखना है कि आपका जो जियो का सिम है वो 5G के लिए एलिजिबल है या नहीं। जब आप प्लान में जाओगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, तो यहाँ पर देखो 5G डाटा देखने को मिल जाएगा। अगर आप में अनलिमिटेड नहीं दिखा रहा है या फिर 5G डाटा नहीं दिखा रहा है, तो आपको नज़दीक के मोबाइल रिचार्ज दुकान पर चले जाना है और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बतानी है। तो देखो मेरे में 5G डाटा अनलिमिटेड दिखा रहा है, और ये कब एक्सपायर होगा, तो 6 जुलाई 2023 को 1:05 AM पर, 1:05 AM पर एक्सपायर हो जाएगा। ओके, और 5G डाटा अनलिमिटेड दिखा ही रहा है, आपको भी इसी तरह से चेकआउट कर लेना है। देख सकते हो सब कुछ आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। और 4G डाटा भी एक्टिवेट है, यानी कि जो 4G पैक है अनलिमिटेड कॉल वगैरह वो भी एक्टिवेट है, और 5G डाटा भी अनलिमिटेड यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन में सेम स्टेप को फॉलो करना है, यानी कि जो मैं स्टेप बताया उससे अच्छे से फॉलो करना है और चेकआउट करना है कि आपका जो जियो का सिम है उसमें अनलिमिटेड डाटा है या नहीं। अगर 5G का अनलिमिटेड डाटा नहीं होगा, तो फिर आप लाख सेटिंग कर लो, लाख कोशिश कर लो, आपके मोबाइल फ़ोन में 5G नहीं चलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको APN सेटिंग करना है 5G वाला, तो ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखना। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो आप लोग एक बार जरूर से इस वीडियो को देख लेना। तो चलिए अब बात करते हैं कि पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है। तो देखो फ्रेंड्स, जियो ऐप के अंदर ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और नीचे आओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जियो ट्रू 5G, और इसके अंदर चेक 5G रेडीनेस मिलेगा, तो इसे आपको ओपन कर देना है। ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जियो वेलकम ऑफर, हैंडसेट 5G कॉम्पैटिबिलिटी, हैंडसेट सॉफ्टवेयर वर्जन, और साथ में हैंडसेट 5G सेटिंग, ये चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और चारों के आगे ग्रीन टिक लगना जरूरी है। तो देखो जो लास्ट वाला सेटिंग है हैंडसेट 5G सेटिंग, इसके अंदर ग्रीन टिक नहीं लगा है, इसके आगे ग्रीन टिक नहीं लगा है, ये ऑरेंज कलर का एक टिक लग चुका है। आपको क्या करना है, गो टू सेटिंग में चले जाना है और फिर जियो 5G APN सेटिंग कर लेना है। वो कैसे करना है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ये बात मैं पहले भी आपको बताया हूँ इसी वीडियो में, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना और इस वीडियो को जरूर से देख लेना। उसके बाद आपको फ्रेंड्स 5G कवरेज चेक कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके एरिया में 5G आया है या नहीं, इससे आपको पता चल जाएगा। इससे ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि आप अगर जो सेटिंग कर रहे हो उससे अगर आपके एरिया में 5G आया तब तो चलेगा, अगर सेटिंग कर रहे हो आपके एरिया में 5G है ही नहीं, तो फिर आप कुछ भी कर लो आपका 5G नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट यहाँ पर डाल देना है, और फिर यहाँ पर अपने नज़दीक का सिटी या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च कर लेना। अगर आपके सिटी में 5G दिखा रहा है, यहाँ पर आपका सिटी का नाम लिखा है या फिर स्टेट का नाम लिखा है या फिर ये बोले कि डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है, तो फिर मेरे बताए गए सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद 100% आपके मोबाइल फ़ोन में भी 5G चलेगा। उसके बाद लास्ट में आपको 5G डिवाइस चेक कर लेना है कि आपका जो फ़ोन है वो 5G है या नहीं। वैसे आपको तो पता होगा, तो आप चेकआउट नहीं करना। अगर नहीं पता है तो फिर यहाँ पर अपना ब्रांड डाल देना, सिलेक्ट ब्रांड कि कौन से कंपनी का आपका मोबाइल फ़ोन है, और फिर यहाँ पर मॉडल नंबर डाल देना, सिलेक्ट मॉडल। इससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो फ़ोन है वो 5G है या नहीं। इसके बाद अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जितने स्टेप थे जो सेटिंग था ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं दो स्टेप में ये वीडियो बनाया था। पहला स्टेप था कि आपको अपना सिम कार्ड चेक करना है कि आप में 5G डाटा कितने दिनों तक अनलिमिटेड है, उसका वैलिडिटी पता करना है। उसके बाद बताया जियो 5G APN सेटिंग कि उसका APN सेटिंग कैसे करना है, सेटिंग में जा करके। उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और फिर दूसरे स्टेप में आपको तीन सेटिंग बताया जियो ऐप के अंदर जा करके ट्रू 5G में कौन कौन से सेटिंग करना है, कैसे चेकआउउट करना है, कवरेज एरिया कैसे चेक करना है, 5G हैंडसेट कैसे चेक करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया। आपको बस वीडियो को अच्छे से देखना है और मेरे बताए गए सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद जो सेटिंग बताया उसे कंप्लीट करना है और फिर अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर देना है। जी सही सुना आपने, आपको अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना है, फिर 5 मिनट के बाद स्विच ऑन कर देना है। तो आप देखोगे कि आपका जो नेटवर्क है वो 5G पर शिफ्ट हो चुका है, यानी कि आपके मोबाइल फोन में भी 5G पकड़ चुका है कुछ इस तरह से। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर
साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मेरा मोबाइल फोन 5G पर शिफ्ट हो चुका है। अब आसानी से मैं 5G का मजा ले सकता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन।